कि जिस जिस तरह से ये हिंदुस्तान को समझने में लगे हैं और जिस तरह से समझ रहे, और सिर्फ ऐसा ही नहीं कि हिंदुस्तान को सिर्फ अंदर से समझ रहे, ये बाहर से भी समझ रहे हैं, अंतरराष्ट्रीय जो इंटरनेशनल रिलेशनशिप है उसको भी इंडिया के प्रोस्पेक्ट से समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर मुझसे पूछा जाए तो फ्रेंकली स्पीकिंग मेरा तो पॉलिटिक्स कप ऑफ टी कभी कभार नहीं लगता, मुझे ऐसा लगता है कि यार मेरा कप ऑफ टी नहीं है। प्रफुल्ल होगा तो उसके पीछे पीछे कभी राज्यसभा में बैठ जाएंगे, बट द थिंग इज हर कोई ये बोलता है कि प्रफुल्ल की कप ऑफ टी इज नॉट अ बिजनेसमैन। मतलब वो एमबीए चाय वाला जरूर एक नाम है जो आपके पीछे खड़ा हुआ है, बट हर कोई ये देखता है आपके अंदर कि ये भविष्य का नेता है, ये किसी दिन प्रधानमंत्री बनेगा, साफ तौर पे सुनने में मिलता है। क्या प्रफुल्ल इससे तवज्जो रखता है, और अगर ऐसा है तो उसका रोड मैप प्रफुल्ल ने कैसे तैयार किया है? नहीं, आई हैव नो आइडिया एंड आई हैव नो इंटेंशन टू बिकम प्राइम मिनिस्टर। आई डोंट नो, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, आई एम नथिंग टू बी ऑनेस्ट, आई एम अ वेरी स्मॉल पर्सन, बट हां आई एम अ काइंड ऑफ पर्सन हु थिंक्स नॉट अबाउट माई सेल्फ और द कंपनी, आई थिंक अबाउट द होल वर्ल्ड, बिकॉज मेरे अंदर से मैं शब्द खत्म हो गया है। मतलब मैं कब होता है कि मुझे गाड़ी लानी है, मैंने ये किया, मैंने अरविंद को ये किया, मैंने देश में ये किया, मैंने इस, ये मैं नहीं आता मेरे इसमें। आई ऑलवेज टॉक अबाउट हम, आई ऑलवेज टॉक अबाउट वी, आई ऑलवेज टॉक अबाउट द सिटी। कि मेरे फ्रेंड्स को मैं फोन करता हूँ कि यार तू क्या कर रहा है, कंपनी खोल, ये कर, मैं हेल्प करता हूँ। कई एम्प्लॉयज ने हमारी एमबीए चावला से निकल के कंपनीज चालू करी, आए बिकेम देयर फर्स्ट कस्टमर, फर्स्ट इन्वेस्टर्स, बिकॉज आप जब मैं से उठ जाते हो तो आप जो भी बनो पर आप बहुत बड़े बनते हो। Correct. I can be the you know big businessman even. If you see Tata's, if you see Mukesh Ambani, they don't think about themselves. If they think about Reliance, if they think about the country, they by themselves by any chance they will become bigger. Obviously, उनका तो भला हो गई, कर भला तो हो भला। Correct. But for me personally, गाड़ी लाना, घोड़ा लाना, यहाँ घूमना, go, I don't know, I will not name the place, but I am above all of this now. आजकल एक और चेंज आप में देखने को मिला जो पहले नहीं था। काफी स्टेटस जो आप पर्सनली जुड़े हुए हैं या इंस्टाग्राम पे आपको फॉलो करते हैं या फेसबुक आपको फॉलो करते हैं, आप धाम घूम रहे हैं, आप बहुत ज्यादा धार्मिकता दिखा रहे हैं। वी कैन से दिखाना इज अ डिफरेंट थिंग, बट सोशल मीडिया पे दिख रहा है कि प्रफुल्ल धाम घूम रहा है, बहुत मंदिर जा रहा है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, और क्या ये अपने लिए कर रहे हैं या देश के लिए कर रहे हैं, क्या सोच है उसके पीछे? आप अपने लिए भी करो तो देश के लिए होगा, देश के लिए करो तो भी अपने लिए होगा। यार देखो, मैं बोलता हूँ रिलीजन को आप शॉफ भी करो ना तो बुरा नहीं है। हिंदू धर्म के लोग ना थोड़ा पढ़ लिख लेते हैं, थोड़ा पैसा कमा लेते हैं, चकाचौंध में आ जाते हैं, तो वो धर्म को, अपने समाज को, अपने परिवार को, अपने माँ बाप को भूल जाते हैं। मैंने बहुत ऑब्जर्व किया है, और खासकर आज के यूथ की दिक्कत है। आप मुस्लिम्स को देखो, दे आर प्राउडली नमाज करते हैं, समय पे उठते हैं, उनका यू नो व्रत करते हैं, क्या बोलते हैं उसको, उपवास रखते हैं, वो ईद के रोजा रखते हैं, सॉरी रोजा। क्रिश्चियंस को दे आर द प्राउड क्रिश्चियंस, बट हमारे धर्म में दिक्कत क्या होता है ना, थोड़ा बहुत हम पढ़ लेते हैं, एसी में बैठने लग जाते हैं, अच्छे जूते चप्पल पहनने लग जाते हैं, तो हमें धर्म काटने लगता है। पर आपको मैं बता दूं, दुनिया भर के जितने धर्म है, जितने लोग हैं, वो स्पिरिचुअलिटी से वापस कनेक्ट होते हैं। करेक्ट। आप जाइए धामों में, जाइए, कई विदेशी लोग आपको दिखेंगे, आप हरिद्वार जाइए, वापस शांति के लिए आते हैं। तो अगर वो लोग स्वीकार कर रहे हैं, और जो हमें देखो कभी कभी होता है ना, हमारी सुपर पावर हमको पता नहीं चलती है जब तक हम उसके, या तो हम लोग बुरे समय में ना हो, या हम लोग, हमें लगता है कि दुनिया आ रही तो हमें भी जाना पड़ेगा। करेक्ट। दूसरा, बहुत शक्ति है भगवान, हिंदू धर्म के जितने भी भगवान है, या जो भी क्रिया प्रक्रिया और जिस तरीके से काम होता है ना, उसमें बहुत शक्ति है। आज देखो हमारा इतना नाम होने के बाद भी, सब होने के बाद हम्बलनेस हम में क्यों है, जस्ट बिकॉज ऑफ हमारे परिवार के संस्कार और हमारा जुड़ाव। जब आप मंदिर जाते हो तो आप सबको भूल जाते हो, और जब मंदिर आपको झुकना पड़ता है, आपको नमन करना पड़ता है, जब आप झुकना लग जाते हो तो आप बहुत ऊपर उठ जाते हो। करेक्ट। तीसरा यार, आप सबसे ज्यादा समस्याओं में युवा होते हैं ना, तब होती है। आप डिप्रेशन में कब आते हो? जब युवा होते हैं, बुढ़ापे में थोड़ी आता है, 60 पर आता है क्या डिप्रेशन किसी को? आप सबसे ज्यादा संकोची, डिसअपॉइंटेड, कंफ्यूज कब होते? युवा होते तो। आपको सबसे ज्यादा समझ कब नहीं आती है? जब आपकी प्रॉब्लम्स 26 में है, तो भगवान से भी 26 में जुड़ो ना, 60 में जुड़ के क्या करोगे? करेक्ट। प्रॉब्लम ही नहीं रहेगी तो जुड़ के क्या करोगे? करेक्ट। और दूसरा, आप 26 में ढंग से नहीं जुड़े तो भगवान भी 60 में आपको जुड़वाएगा क्या? करेक्ट। इट्स नेचर्स कॉल। थर्ड थिंग इज, वो सफलता, वो पैसा, वो प्रसिद्धि किस काम की जब आपका धर्म ही नहीं रहेगा? आप आज अरविंद भाई अकेले अरबपति हो, और आप एक आइलैंड पे रहते हो, तो क्या करोगे? वो करोगे, और आप समझ रहे हो ना, आप बहुत भीड़ में भी हो और आपका कोई भी नहीं, आप देखो रिश्ते खराब हो रहे लोगों के।
आज की तारीख में मैं मुझसे इतनी जल्दी शादी क्यों कर ली? एक इंडिपेंडेंस के नाम पे लोग 30-32 तक शादी, आई डोंट नो पर्सनल उनके कोचिस रीजन हो सकते हैं, बट अगर हो रहा है, परिवार समझ रहे हो, लॉयल हो पार्टनर्स के साथ, तो ये इससे बड़ा असेट क्या हो सकता है जिंदगी में? Correct. जो किसी को बताना नहीं, कोई पॉडकास्ट में भी बात नहीं करता. पर आज मुझे बताओ सबसे ज्यादा समस्या क्या है? 58% से ज्यादा रिश्तों में डिवोर्स की दिक्कत है. करेक्ट. कितने 50-55-60% लोग डिवोर्स लेते हैं, डिवोर्स की दिक्कत है, वो परेशान होते हैं अपने पार्टनर से. तो आप आपके पार्टनर के नहीं हो सके तो दुनिया में किसके होंगे? तो और दूसरा, आपसे अपने आपका घर नहीं संभल रहा है, अपने आपसे आपका खुद नहीं संभल रहा है, तो फिर आप दुनिया कैसे संभाल रहे? तीसरी एक और चीज है, हमें हमारे अस्तित्व को नहीं भूलना चाहिए. इफ यू सी चाइना, दे आर द सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, बट स्टिल दे हैव देयर कुंफूज, देयर ट्रेडिशंस, देयर मॉन्स्ट्रीज, दे आर स्टिल, बट धर्म के साथ भी तो सफलता पाई जा सकती है. बिल्कुल. इफ यू सी जापान, दे आर स्टिल फॉलोइंग देयर रूट्स, उनके स्ट्रक्चर्स, उनके ट्रेडिशनल सेम. पर आज देखो जापान का, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, उनके भी अपने. आप कोई भी कंट्री देखो, वो अपने धर्म के साथ जुड़ के भी बड़ा कर रही है. करेक्ट. सिर्फ भारत देश ऐसा है जो अपने धर्म को छोड़ के सोच रहा है तेरी तरक्की हो जाएगी. ना तरक्की दिख रही है, ना धर्म से जुड़ा हुआ है. तो ये मुझे विडंबना लगती है और बहुत बुरा लगता है. बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया. वो जरूरी भी है. मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने धर्म को मत भूलो. और इनफैक्ट मैं भी ये बताना चाहता हूँ प्रफुल्ल भाई कि पिछले 3 सालों में मेरे में जो बदलाव आया, मैं स्पिरिचुअलिटी की तरफ कुछ ज्यादा ही गया हूँ. तो ये एक पॉजिटिव साइन है मेरे में भी. और उसका रीजन कहीं ना कहीं प्रफुल्ल और बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसेस मेरे दोस्त हैं जो मेरी जिंदगी में आए, जिनने मेरे में परिवर्तन ही देखा.